पीलीभीत की तहसील पूरनपुर में सपा के पूरनपुर के नगर अध्यक्ष हाजी लाडले के नेतृत्व में दर्जनों सपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ते डीजल पेट्रोल व रसोई गैस के दामों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ता तहसील में गैस का सिलेंडर व चूल्हे को लेकर गैस सपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन SDM पूरनपुर को सौंपा है, जिसमें बढ़ते पेट्रोल डीजल व रसोई के दामों पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही कहा है कि जनता में त्राही त्राही मची है, लोग घरेलू गैस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये आप देख ही रहे हैं पेट्रोलियम पदार्थों की कितनी कीमतें बढ़ रही हैं, चाहे गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, सब चरम सीमा पर हैं, सौ के पास हैं। गरीब आदमी आज किसान, आप देखिए कि खेतों में जब उनका डीजल से जब इंजन चलता है तो उन्हें कितना तकलीफ और कितना दुख होता है। ऐसे आज आप लोगों ने तहसील में प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? पेट्रोल और गैस तो लेकर जनता के साथ में जो सरकार जो खेला खेल रही है, इससे जनता पूरी तरह त्रस्त हो गई है। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो गई है, गैस सिलेंडर 850 रुपए का हो गया है। तरह ही भाई, आपकी पार्टी लगातार बढ़ते गैस की कीमतों पर प्रदर्शन कर रही है, इसके बावजूद लगातार दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारा तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, इन 7 वर्षों में घरेलू गैस की कीमतें, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार वृद्धि हुई है। आम आदमी का जो जीना मुहाल है, घरेलू आम आदमी का बजट बिगड़ गया है। वर्ष 2014 में 410 रुपये के गैस सिलेंडर कीमत थी, आज बढ़कर वो 800-850 रुपये बिक रहा है और आम आदमी का जीना मुहाल है, घरेलू बजट बिगड़ चुका है। हमारी सबकी समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार इस पर तत्काल ध्यान दे और आम आदमी को राहत देने के लिए